हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। एंड आज मैं यहाँ पे फिर से एक बोट के एयरडॉप सल्फा की जो है सीरीज लेके आया हूँ, जहाँ पे जो है टच कंट्रोलिंग फंक्शनलिटी के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, मेरे एक व्यूअर्स का कमेंट था कि वहाँ पे जो है इसका टच गेस्टर जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, कि लाइक ये म्यूजिक कंट्रोल पॉज प्ले नहीं हो रहा है, कॉल रिसीव्स एक्सेट्रा, या फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं हो रही है सॉन्ग्स की। तो उसका क्या रीजंस है, आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वीडियो को टेल एंड तक देखिए। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा, बट आपका जो है बहुत ही यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपका केस का कोई भी रोल नहीं है। अगर आपका टच रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे आपका केस का कोई भी रोल नहीं है, उसको आप साइड में रख दीजिए। जो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम होता है क्या, कि एक्चुअली हम लॉन्ग टर्म्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं करते हैं, तो क्या होता है हमारे हाथों में डस्ट एक्सेट्रा होती है, ठीक है, पसीना वगैरह बहुत टाइम पे ऐसे जमते रहता है, जो भी हम कानों में इसको यूज़ करते हैं तो बहुत टाइम पे वैक्स एक्सेट्रा जो होती है, कानों की जो गंदगी होती है उसका एक यहाँ पे लेयर जम जाता है टच कंट्रोलिंग की जगह पे। तो उसका आप यहाँ पे काम कर सकते हैं कि आपका क्लीनर ले सकते हैं। क्लीनर लेने के बाद जो है इसको काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ये टच वाली जो एरिया है उसको वहाँ पर आपको क्लीन करना है। एंड इसके साथ साथ जो है आपको चार्जिंग के जो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं उनको भी आपको क्लीन कर लेना है। ये तो कोई एक चीज। सेकेंडली क्या करना है कि आपको इसको टोटली रीसेट करना है। रीसेट का प्रोसेस मैंने बहुत बार भी यहाँ पर शेयर कर दिया, बट फिर भी यहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ कि जो भी आपके टच कंट्रोलिंग लाइक कि अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं, हालांकि टच प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे एक बार आप ट्राई कर सकते हैं कि लॉन्ग प्रेस 8 सेकेंड के लिए यहाँ पर प्रेस करके रखिए। हो सकता है कि आपके रीसेट जो है प्रॉपरली वर्क कर जाए, एंड इसके बाद जो है आपके टच रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहेगा इश्यूज वो सॉल्व हो जाएगा। कॉज यहाँ पे 8 सेकेंड के लिए अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं इसमें यहाँ पर टच वाले एरिया पर, तो ये आपका टोटली फैक्ट्री रीसेट मोड पे चला जाएगा। एंड ये सब सारे जो प्रोसेस है आपको आपके जो मैनुअल बुक्स हैं, मैनुअल बुक्स में भी दिए हुए हैं, आप उनको भी यहाँ पे फॉलो आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से करने के बाद जो है आपका टोटली जो है रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद जो है इसको कम्प्लीटली आप जो है चार्ज में बैठा दीजिए, अभी भी यूज़ मत कीजिए। रीसेट करने के बाद इसको कम्प्लीटली फुल्ली 100% चार्ज हो जाने दीजिए, देन दोबारा से जो है आप इसको ट्राई कीजिए। ये तो हो ही वन प्रोसेस। सेकेंड जो प्रोसेस है, आप क्या कर सकते हैं कि अपने फ़ोन को, कि लाइक आपका आप जो भी आप इसमें डिवाइस आपके साथ इसके कनेक्टेड है उसको यहाँ पे आप डिसकनेक्ट कीजिए। एंड इसके जगह पे अल्टरनेट कोई एक दूसरी डिवाइस लीजिए जहाँ पे इसको जो है आप कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने के बाद जो है टच कैसेट को आप चेक कीजिए कि वहाँ पर वो प्रॉपरली फंक्शनल वर्क कर रही है कि नहीं। अगर ये आपके सेकेंड जो ऑप्शनल फ़ोन है उसमें अगर आपका वर्क कर रहा है, दैट मीन आपके जो प्रीवियस फोन है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसके जो है आपको ब्लूटूथ में जाकर के उसको रीसेट करना होगा, या फिर जो है ब्लूटूथ में कुछ परमिशन एक्सेट्रा होती है। जैसे कि ब्लूटूथ के आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद एडवांस में जाना है। एंड यहाँ पर जो आप देख सकते हैं तीन जो परमिशन एक्सेट्रा हैं, तो ये सब सारे जो है आपको ऑन रखने हैं। ये अगर आपका ऑन रहता है तो जो भी आपका टच एक्सेट्रा रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है वो आपका जो नहीं होगा, एंड वो प्रॉपरली फंक्शन करना स्टार्ट कर देगी। तो छोटी सी अपडेटेड वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। सो टिल नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।